हेलो मेंबर्स एंड वेलकम टू द चैनल। मेंबर्स, आज दो टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। फर्स्ट, आज हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, उन ट्रेड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या रीजंस थे, दो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किए, दो ट्रेड्स में मेरा मनी मैनेजमेंट और मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या था, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उन ट्रेड्स को करने के पीछे का मेरा रीज़न क्या था। एंड देन सेकेंड है, कुछ फॉर्मेशंस होती हैं प्राइजेस को ब्रेकआउट करने की, सो उन ब्रेकआउट्स को देखेंगे। फोर टाइप ऑफ ब्रेकआउट्स हमने इस वीडियो में आपको समझाए हैं। ओके, तो सबसे पहले टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। आज एक्चुअली दो स्टॉक्स ट्रेड किए थे, फर्स्ट टाटा मोटर्स था एंड सेकंड हमारा कोटक बैंक था। कोटक महिंद्रा बैंक को हमने बाई किया था, बाई करने का जो हमारा लेवल था 1958 रुपीज़ के आसपास हमने बाई किया था। एंड टाटा मोटर्स को देख लीजिए, टाटा मोटर्स के अंदर कुछ स्टॉप लॉसेस के पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर आज हम जरूर डिस्कशन करेंगे। एंड टाटा मोटर्स ने भी अच्छा मूव हमको दिया था। पोजीशन बुक हम लोग देख लेते हैं। टाटा मोटर्स के अंदर देखिए, 2020 के साथ ट्रेड किया था और इसके अंदर हमने जो सेलिंग की थी 313.45 के आसपास हमने सेलिंग की थी, स्टॉप लॉस 314.45 का था और बाई कर लिया था हमने इसको वापस से 308.75 पर। एंड अगेन कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो हमने क्वांटिटीज़ आज अपनी एग्जीक्यूट की थी, टोटल 85 क्वांटिटीज़ थी। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, बाइंग के जो हमारे पॉइंट्स थे यहाँ पर, 1958 रुपये हमने बाइंग किया था, सेलिंग कर दिया था वापस से 1997 रुपये के आसपास, स्टॉप लॉस 1946 पर लगाए थे। एंड ये अपनी पोजिशन बुक है। ओके, सो पोजीशन बुक में आप देख सकते हैं टोटल जो हमारा आज का प्रॉफिट है 12,730.50 रुपये के आसपास का है, जिसमें से टाटा मोटर्स का जो प्रॉफिट है 9,400 रुपये के आसपास का है। एंड कोटक महिंद्रा बैंक में इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो कोटक महिंद्रा बैंक का जो अपना प्रॉफिट है वो 3,000 रुपये के आसपास का था। ओवरऑल दोनों ट्रेड्स को मिलाकर के आज का जो हमारा प्रॉफिट हुआ 12,730.50 रुपये के आसपास का है। ओके, सो अच्छा और एक डिसेंट प्रॉफिट हमको आज के दिन देखने को मिला है। सो टाटा मोटर्स एंड दूसरा स्टॉक था हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। सबसे पहले टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स में एक बार ये सभी लाइन्स को हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको हायर टाइम फ्रेम पर देखिए एक बार। हम हर बार ये बोलते हैं आपसे कि हायर टाइम फ्रेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डिमांड है, तो आप हायर टाइम फ्रेम पर ज़रूर आइए और हायर टाइम फ्रेम पर प्राइसेस को रीड करने की कोशिश ज़रूर कीजिए और वहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग मार्किंग ज़रूर कीजिए। अगेन, जब प्राइस वहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर रेजिस्ट करता है या फिर सपोर्ट लेता है, तो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम पर आप प्राइस को कैसे एनालाइज़ करेंगे और वॉल्यूम्स को किस तरह से एनालाइज़ करें। अब टाटा मोटर्स के अंदर देखिए, जैसे कि वॉल्यूम्स को हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर ओवरऑल हुआ क्या है कि एक तो ये हमारा हाई है, लास्ट प्राइस अपना ये लो लगा देने के बाद देखिए एक हाई लगाया था, वापस से यहाँ पर इसने एक लो लगाया था, अगेन प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया था। तो यहाँ पर दो हाईज हमको नज़र आते हैं, हम क्या करेंगे वन बाय वन, एक हमने इसको मार्क कर लिया एंड अगेन ये वाला हाई मार्क कर लिया। ओके, अब ये दो हाईज हैं। प्राइस अगर कहीं से गिर सकता है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से प्राइस गिर पाएगा, एक तो ये एंड सेकेंड ये वाला पॉइंट। अब अगर प्राइस को अपसाइड की तरफ जाना है तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, प्राइस क्या करेगा यहाँ से अपने स्विंग्स को ब्रेकआउट करते हुए और अपनी फॉर्मेशंस की कंफर्मेशन के साथ प्राइस अपसाइड की तरफ निकल जाएगा, अगर इसको अपसाइड की तरफ जाना है तो। और अगर प्राइस को अपसाइड की तरफ नहीं जाना है तो ये क्या करेगा कि जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स है वहीं से प्राइस रेजिस्ट होकर के डाउन साइड की तरफ गिरने लगेगा। ओके, लोअर टाइम फ्रेम पर एक बार देखते हैं टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स के लेवल हमने मॉर्निंग में अपने ग्रुप में शेयर कर दिए थे, निफ्टी के टाटा मोटर्स के लेवल्स, इन दोनों के लेवल्स हमने मॉर्निंग में शेयर कर दिए थे। अब टाटा मोटर्स में देखिए कि हायर टाइम फ्रेम पर हमने मार्क कर लिए थे अपने यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, ये वाले एंड ये वाले, ये दोनों ही रेजिस्टेंस पॉइंट्स हमने मार्क किए। ओके, अब देखिए क्या होगा कि प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है, अब अगर हमें इसको बाइंग करनी होगी तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि 915 के हाईस के ऊपर प्राइस निकलेगा सिर्फ इसी वजह से तो बाई नहीं कर लेंगे हम, कुछ ना कुछ अपनी फॉर्मेशंस की एंट्रीज़ की फॉर्मेशन और एंट्रीज़ के साथ वॉल्यूम्स की फॉर्मेशन मिक्स होनी चाहिए। जब तक हमें एंट्रीज़ के कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हम बाइंग नहीं करेंगे। अगेन हम कहेंगे कि टाटा मोटर्स के अंदर कोई भी एंट्री की फॉर्मेशन हमको नज़र नहीं आ रही थी और इवन हमें टाटा मोटर्स कहीं से भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था। ओके, अब देखिए कि प्राइस ने ये वाला जो हाई लगाया है, ये वाला जो हाई लगा है इसके बाद 10:30 एंड 10:35 यहाँ पर प्राइस पहुँचा है और हमको मालूम है कि ये वाली जो रेंज हमने मार की ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। ओके, 315.45 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये 311.50 ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट, देखा जाए तो एक सपोर्ट पॉइंट बन जाता है हमारे लिए। टाटा मोटर्स, ऑटो सेक्टर एंड एक बार निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। 10:35 पर प्राइस अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पर पहुँचा है
निफ्टी 50 को जब हम देखेंगे तो निफ्टी 50 ने भी क्या किया है, 1035 की कैंडल भी अपने कुछ स्विंग्स डेवलप कर रही थी यहाँ पर। अगेन जब हम देखते हैं निफ्टी ऑटो को, देखिए निफ्टी ऑटो ने क्या किया है कि 1035 ने भी यहाँ पर एक स्विंग बनाया है। हुआ क्या है कि टाटा मोटर्स भी हमारे एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर पहुँचे। बहुत सिंपली है, बहुत सिंपल है इसको समझना। टाटा मोटर्स भी आपके रेजिस्टेंस पॉइंट पर है और जो निफ्टी ऑटो है आपका, ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर है। और अगेन क्या कर रहा है कि प्राइस अपनी रेंजेस को डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश करने लगता है, यानी कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड की तरफ गिरने लगते हैं। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए थी निफ्टी ऑटो से और हमने टाटा मोटर्स को यहाँ से शॉर्ट कर दिया था। ये वाले पॉइंट्स थे कि जहाँ से हमने प्राइस को शॉर्ट किया था। अब देखिए जब प्राइस एक रेजिस्टेंस से डाउन साइड की तरफ निकलने लगा, यहाँ पर आकर के इसने क्लोजिंग दे दी थी। अपनी प्रीवियस एक इंपॉर्टेंट कैंडल थी सबसे पहले, तो इसने 915 की रेंज के अंदर आ जाने के बाद 915 की रेंज के अंदर ये ट्रेड करने लगा था। यहीं से थोड़ी थोड़ी कन्फर्मेशन मिल गई थी और प्राइस जैसे ही डाउन साइड की तरफ गिरने लगा हमने इसके अंदर अपना ऑर्डर लगा दिया। और स्विंग्स के लिए हमने इस्तेमाल किया था जो अपना स्टॉप लॉस था, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमने इनकी स्विंग्स देखे एंड स्विंग्स को मार्क करके थोड़ा सा अप साइड की तरफ ने रख दिया, लगभग 314-345 रुपए के आसपास एग्जैक्ट सेम लेवल ऑफ रेंज हमारा निकला था। ओके सो यही हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट था। ये स्टॉप लॉस को रेड कर देते हैं, ठीक है, 314.45 ये हमारा रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस बना। अब स्टॉप लॉस क्यों बना कि प्राइस देखिए एक रेजिस्टेंस से टकराया है, सीधे डाउन साइड की तरफ आ गया, हल्का सा एक स्विंग बना देने के बाद प्राइस डाउन साइड की तरफ निकल गया। अब इस एक पॉइंट पर अगर हमको एंट्री चाहिए तो हमको जो सबसे लेटेस्ट स्विंग इसके अंदर नज़र आ रहे थे वो ये वाले स्विंग थे जिसके ऊपर हमने अपने स्टॉप लॉसेस लगा दिए। सिर्फ वॉल्यूम्स को, सिर्फ कैंडल्स को, प्राइस कैंडल्स को देखते हुए ही नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम्स की भी हमको कन्फर्मेशन लेनी पड़ी और वॉल्यूम्स की कन्फर्मेशन के बाद हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया था। ओके एंड टारगेट्स जो हमने बुक किए थे, देखिए प्राइस जब डाउन साइड की तरफ गिरने लगा था, 1, 2, 3, 4 ओके ये वाली रेंज देखिए। अब प्राइस अप से डाउन साइड की तरफ आ रहा है आपका, ये वाला एक स्विंग बना, प्राइस ने अपने स्विंग को ब्रेक कर दिया और वापस से अपनी रेंज के अंदर प्राइस चला गया और फिर से प्राइस अपनी उसी रेंज के अंदर ट्रेड करने लगा था। अब अगर प्राइस को डाउन साइड की तरफ जाना था तो अपना स्विंग इसको ब्रेक करना था, क्योंकि प्राइस अब अपनी रेंज के अंदर चला गया और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दैट्स वाई हमने इस रेंज के अंदर ही अपने टारगेट्स को बुक कर लिया था, 308.70 पर हमको जो उस वक्त हमको जो मार्केट प्राइस मिला था, हम 308.70 पर यहाँ से निकल गए थे। तो टाटा मोटर्स का हमारा ट्रेड ये था, सिंपल और एक बहुत इजी ट्रेड था हमारे लिए आज का ये। सो एक रेजिस्टेंस पॉइंट से आपका टाटा मोटर्स टकराया है, ऑटो सेक्टर भी डाउन साइड की तरफ आपका गिर रहा है और निफ्टी भी आपका डाउन साइड की तरफ है, सिर्फ इस वजह से हमने टाटा मोटर्स को शॉर्ट कर दिया था। ओके एंड अगेन जो हमारा दूसरा ट्रेड था कोटक महिंद्रा बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक में ऐसा क्या था, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में अगर हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ओके रनिंग रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते थे। बट अब इसको ट्रेड करने के पीछे के रीजंस क्या थे, ये वाले जो लेटेस्ट स्विंग लगे थे, ये जो लेटेस्ट हमारे स्विंग थे, एक ये लो लगा ना, इस बैक वाली कैंडल से हमारा लो लगा और प्राइस अपनी एक रेंज में चला गया। हमने बैंक निफ्टी को वहाँ पर देखा, बैंक निफ्टी भी डाउन साइड की तरफ काफ़ी गिर चुकी थी। देखिए ये कुछ सपोर्ट पॉइंट्स हैं बैंक निफ्टी के, अपने ये सपोर्ट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 12:05 की कैंडल ने एक लो लगाया था सबसे पहला। 12:05 पर कोटक महिंद्रा बैंक भी अपने एक सपोर्ट लेवल पर था, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर अपना एक सपोर्ट ले लिया था, 37,460 का ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ से प्राइस को अगर डाउन साइड की तरफ जाना तो यहीं से इसको गिर जाना चाहिए था, बट प्राइजेस ने इसके बाद अपने लोज लगाने बंद कर दिए पूरी तरह से और यहाँ से प्राइस आपका साइडवेज हो गया। हमें ये नहीं मालूम था कि ये प्राइस इतनी देर तक आपका साइडवेज पड़ा रह जाए, क्योंकि एक शार्प मूवमेंट डाउन साइड की तरफ आया था, शार्प मूव डाउन साइड की तरफ आया तो यहाँ से प्राइस अप साइड की तरफ जा सकता है, बट इतना शार्प मूव अप साइड की तरफ नहीं आया, प्राइस काफ़ी देर तक आपका साइडवेज पड़ा रहा, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई। सो कोटक महिंद्रा बैंक को, क्योंकि हमने जो हमारा रिस्क कैपेसिटी है, अपनी रिस्क कैपेसिटी को हाफ करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक में हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेकेंड ट्रेड जो आप एग्जीक्यूट करते हैं और उससे पहले अगर आप कोई ट्रेड अपने ले चुके हैं तो क्या कीजिए कि अपनी रिस्क कैपेसिटी को हाफ कर दीजिए। इससे होगा क्या कि अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो वहाँ पर आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, लॉस में नहीं निकलोगे। दैट्स वाई कोटक महिंद्रा बैंक को हमने हाफ
रिस्क कैपेसिटी के साथ ट्रेड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल ओवरऑल हमको हमारा आज के जो कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट था वो 3000 रुपये के आसपास का हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट था। ओके, 1:3 का रेशियो मिला। हम चाहते तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क ले सकते थे, कन्फर्मेशंस भी थी और स्टॉप लॉसेस भी अच्छे थे। यहाँ पर देखिए इसी जस्ट स्विंग को स्टॉप लॉस बनाया और प्राइस जब अपसाइड की तरफ निकलने लगा तो ये अपना एंट्री पॉइंट बना और ऊपर में हम यहाँ से निकल गए थे इस वाली रेंज में। जब प्राइस ने इतना बड़ा रिजेक्शन हमको दिखाया, रिजेक्शन के बाद हम यहाँ से निकल गए, यहाँ पर हम आउट हो गए थे। सो ओवरऑल हमारा यही आज का ट्रेड था कोटक महिंद्रा बैंक का। सो काफ़ी दिन के बाद हमने ये दूसरा ट्रेड, मतलब एक ही दिन में दो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किए थे। जनरली मेरा जो ट्रेड होता है सिर्फ एक ही ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो थैंक यू। एंड अब वीडियो का अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। कुछ फॉर्मेशंस हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं, आप लोग उसको देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू। एंड फिर से हम कहेंगे अगेन कि जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका जिस कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, हमेशा उसको डेवलप करने की कोशिश करते रहिए, एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश करना। एंट्रीज के बहुत सारे मेथड, जैसे आज हमने कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपनी एंट्री ली थी, सिस्टम्स को चेंज किया था, वॉल्यूम्स की फॉर्मेशंस को भी, यहाँ पर जो रीडिंग की स्किल है उसको भी एक कदम और आगे ले जाने की कोशिश की। ओके, वरना अगर कोटक महिंद्रा बैंक को हम देखें तो इतना चला हुआ स्टॉक है, इतना ज़्यादा चल चुका है, हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते थे, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रेड नहीं कर सकते थे, ये साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा थे। कुछ एक कन्फर्मेशन हमें इसके अंदर मिली थी, कोटक महिंद्रा बैंक मॉर्निंग से स्ट्रॉन्ग था। सो ओवरऑल यही अपने ट्रेडिंग सेटअप था आज का। अब अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और उन फॉर्मेशंस को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ आप इसे सीखते हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड वी विल मीट अगेन। जैसे फेसबुक का चार्ट है अपना, इसके कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट हमने, सपोर्ट पॉइंट्स मार्क करके रखे हुए हैं। ये सपोर्ट्स हमारे अभी के नहीं मार्क हैं, ये काफ़ी दिन पहले से हमने मार्क करके रखे। स्टॉक सेम रेंज से ही आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ओके, सेम रेंज से बार बार रिजेक्ट हो रहा है ना, ये वाली रेंजेस, ये वाली और ये वाली। अभी इसने क्या किया है कि डाउन साइड्स के जो सपोर्ट्स थे उसको डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, नीचे के लेवल्स के जो सपोर्ट्स थे उनको डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया है। और आज FB ने जो अपनी क्लोजिंग दी है, सॉरी ओपनिंग जो दी है, वो अपनी रेंज के बाहर में दी है। इसको आप देखिए, देखिए अभी की जो क्लोजिंग हुई है हमारी, फर्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी रेंज के बाहर की तरफ हुई है। डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग हो जाने के बाद देखिए प्राइस डाउन साइड की तरफ हमारा गिरा है और गिर जाने के बाद इसका एक ये रिट्रेसमेंट का केस है जहां पर प्राइस हमारा साइडवेज है, क्योंकि चलने का एक जो नेचर होता है प्राइस का वो यही होता है, पहले डाउन साइड की तरफ गिरेगा अपना, फिर साइडवेज, या यूं कहें कि थोड़ा सा करेक्शन एंड अगेन फिर से डाउन साइड करेक्शन, फिर से डाउन साइड करेक्शन, फिर से अपसाइड। इस तरह से प्राइसेस अप डाउन करते हैं। सेम फेज हम लोगों को फेसबुक के अंदर भी देखने को मिल रहा है, डाउन साइड की तरफ प्राइस निकला और अभी ये करेक्शन हो रहा है। अपनी रेंज को प्राइस डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो ये फिर से डाउन साइड की तरफ हो जाएगा। फेसबुक का स्टॉक है, मे बी हो सकता है कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें फेसबुक अपनी रेड वाली लाइन को 373.11 इसको अप साइड की तरफ शायद क्लोज ना कर पाए और यहीं से प्राइस हो सकता है कि डाउन साइड की तरफ गिर सकता है। ओके, क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आप फेसबुक को देखते रहिएगा, ये रेंजेस हमने किस तरह से मार्क की, कौन कौन सी फॉर्मेशंस हैं अभी तक, इससे पहले जो फॉर्मेशंस हम लोग यूज करते हुए आए थे ये उसके आगे की क्लासेस होंगी। मतलब इससे पहले से जो फॉर्मेशंस हम अपनी क्लासेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, जिन फॉर्मेशंस का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी दिन से इसका बैक टेस्ट वगैरह हम कर रहे थे। ओके, और अब क्या है कि धीरे धीरे इसको आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, फ़ायदा ये होगा आपका, इससे एक्यूरेसी जो होगी ट्रेड करने की वो बढ़ेगी, प्राइजेस को रीड करने का जो सिस्टम है, वॉल्यूम्स को रीड करने का जो सिस्टम है, इसके अंदर आपकी एक्यूरेसी आएगी, कन्फर्मेशंस में बहुत सारी मदद आपको मिलेंगी। अब जो नई फॉर्मेशंस हम आपको बताएंगे और नए वॉल्यूम्स की फॉर्मेशंस बताएंगे, प्राइजेस में जो रीडिंग के मेथड्स हैं आपके, पहले से और थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है, जो सिस्टम्स हम पहले यूज़ करें थोड़ा सा और आपको पावरफुल दिखेंगे। फेसबुक का चार्ट सभी लोग याद रखिएगा, इसको हम ओपन ही रखते हैं, एक रेंज मार्क कर देते हैं फेसबुक में,
क्रैकिंग मेथड्स, क्रैक करने का सेंस आप यहाँ पर ले सकते हो कि प्राइजेस की रेंज को जो कैंडल हमारी ब्रेक करती है, जब प्राइजेस अपनी किसी रेंज को ब्रेक करेगा अप साइड या डाउन साइड, हम उसको क्रैकिंग बोलते हैं। चार क्रैकिंग के मेथड्स हैं, मेथड्स इन द सेंस के प्राइजेस को ब्रेक करने का जो एक स्टाइल होता है कैंडल्स का, अपना एक स्टाइल होता है या फिर बॉडी लैंग्वेज जो होती है कैंडल्स की, प्राइजेस में सपोर्ट्स या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कैंडल्स की जो बॉडी बनती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या ये पता लगा सकते हैं कि प्राइजेस के ये जो ब्रेकआउट हुए क्या इसके ऊपर हम बिलीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, जो ब्रेकआउट है ये पावरफुल है, वीक है या फिर कन्फ्यूजन में है। फर्स्ट मेथड जो होगा हमारा, फर्स्ट फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए दो कैंडल्स हैं आपकी, है ना, ये दो कैंडल्स हैं, इनके बाद में एक ये ग्रीन कैंडल, चलिए देखिए जैसे ये दो बियरिश कैंडल आपकी बनी है, ये दो आपकी बियरिश कैंडल बनी है और वापस ये वाली एक आपकी बुलिश कैंडल बनी है, मतलब प्राइस डाउन साइड की तरफ जा रहा था और वापस इसने क्या है, क्या किया है कि एक बुलिश मोमेंटम प्राइस के अंदर दिखाया आपको। हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी तीनों कैंडल की फॉर्मेशंस का जो हाई होता है हम इसको मार्क कर लेते हैं, है ना, इसको मार्क कर लेंगे। यहां पर हम जो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर गौर कीजिएगा, ये फॉर्मेशन समझाना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके बारे में। यहां पर आज जिस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो होगा किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन को जब प्राइस ब्रेकआउट करता है तो उसकी ब्रेकआउट की हुई कैंडल की बॉडी को देख करके हम क्या समझ सकते हैं। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए ये एक फॉर्मेशन बनी, यहां पर जो प्राइस का ब्रेकआउट हो सकता है लाइक कि इस तरह से आपका ब्रेकआउट हो, कैंडल रेड हो गई, ये हुई आपकी ब्रेकआउट, है ना। अब यहीं पर मान लीजिए कि इस तरह से आपकी दो रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल आ गई, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एक हाई मार्क, इन कैंडल्स का हाई मार्क, ओके। अब यहाँ पर जो कैंडल का एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है वो इस तरह से होगा, यहाँ पर हम थोड़ी सी, ओके। अब देखिए कि इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है इस वाली कैंडल को देखिए और दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है, इट्स कॉल्ड आइडियल क्रैकिंग। ये वाली जो आपकी फॉर्मेशन है ये एक आइडियल क्रैकिंग की फॉर्मेशन होगी, मतलब एक तो अच्छा जैसे कि ब्रेकआउट करने वाली आपकी कैंडल है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी होगा कि मान लीजिए ये वाली एक कैंडल है और ये वाली जो कैंडल है, इन दोनों में फ़र्क मालूम है क्या है, इस कैंडल में आपको विक देखने को नहीं मिलेगी, जनरली इस तरह के कैंडल्स कम बनती हैं, बट जब भी आपकी फॉर्मेशंस को प्राइस इस एक पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी से, मतलब इस तरह की कैंडल से प्राइस अगर ब्रेकआउट करता है तो वो एक तरह से वीक ब्रेकआउट होगा। जब प्राइस इस तरह की कैंडल से ब्रेकआउट करेगा मतलब ऊपर की तरफ भी आपकी विक है और डाउन साइड की तरफ भी विक है, तो ये एक तरह से आपका, आप इसको पावरफुल ब्रेकआउट मान सकते हो। ऐसा क्यों होगा, विक का होना और विक का नहीं होना ये बड़ा इफेक्ट डालता है कैंडल के अंदर। ये वाला जो क्रैकिंग का पैटर्न है, मान लीजिए ये वाली कैंडल, एक ये कैंडल हो गई अपनी और दूसरी एक कैंडल हो गई ये वाली, इस कैंडल को हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं, एक्चुअली जब इस तरह की कैंडल बनती है ना तो यहाँ पर डिफाइंड नहीं होता है कि प्राइसेस के सपोर्ट्स क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, और जब हमारे पास इस तरह की कैंडल होती है यहाँ पर हमें एक प्रॉपर सपोर्ट और अपसाइड में रेजिस्टेंस मिलते हैं। विदाउट वीक की जो कैंडल होती है प्राइस एक्शन के अंदर, इन कैंडल्स को वीक कैंडल माना जाता है, और जो कैंडल आपकी इस तरह की कैंडल होती है एक प्रॉपर वे में उसके अंदर बॉडी और उसके अंदर एक विक होती है उस कैंडल के अंदर, उसे एक पावरफुल कैंडल माना जाता है। तो ये एक आइडियल क्रैकिंग आप बोल सकते हो, बट हम इसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। बट ये वाला जो क्रैकिंग है, क्रैक विद गुड क्लियरेंस, ये मेरे लिए आइडियल कंडीशन है। अगर प्राइस हमारा किसी रेंज को ये इस तरह की कैंडल अगर ब्रेकआउट करती है तो ये मेरे लिए एक बेहतरीन ब्रेकआउट बनेगा। इसके साथ ही दो ब्रेकआउट्स और हैं, उसको देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो ये हैं और कि जैसे प्राइस ने ब्रेकआउट तो दिया है, ब्रेकआउट देने वाली जो हमारी कैंडल है वो एक छोटी सी कैंडल, ब्रेकआउट देने वाली जो कैंडल है वो एक छोटी कैंडल है, इसके डाउन साइड की तरफ आपको विक दिखेगी बट अप साइड की तरफ विक नहीं दिखेगी, ना तो ये हमारा हैमर बनता है और ना ही किसी तरह की पावरफुल कैंडल है। हम इस कैंडल को भी इग्नोर करेंगे, ओके, लिटिल डिस्टेंस हम इसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब
इस तरह की कैंडल्स से हमको प्राइजेस के अंदर ब्रेकआउट मिलते हैं। हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस अपसाइड की तरफ क्लोज कर दिया है, बट इन रियलिटी जब हम आते हैं काम करने के लिए तो अक्सर आप देखोगे कि प्राइस अपसाइड में क्लोजिंग कर देने के बाद भी डाउन साइड की तरफ गिरता हुआ आपको नजर आएगा। हम वेट करते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक कैंडल, अब मान लीजिए जैसे ये कैंडल है, इसके ऊपर प्राइस जाकर के क्लोजिंग दे देगा, हम यहाँ पर अपनी पोजीशन डेवलप कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। बट जब क्लोजिंग इस तरह की होती है वहाँ पर आप बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिए, थोड़ा सा हम और यहाँ पर रुकेंगे और प्राइसेस के, अगर प्राइस को जाना है अपसाइड की तरफ तो वो निकल जाए अलग बात है, बट यहाँ पर हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते अपने फॉर्मेशंस को देख करके कि अगर प्राइस ने एक छोटी एक लिटिल डिस्टेंस के से हमको ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर हम अपने ब्रेकआउट को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज फेल होने के चांसेस आपके यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पर भी ज़्यादा रहेंगे। और एक देखिए फॉर्मेशन, ये लास्ट है, मान लीजिए ये हमारा एक हाई हो गया है ना, ये हाई है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अब इसमें देखिए क्या फ़र्क है, चार फॉर्मेशन हमने बताई आपको, जबकि प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ क्लोज कर रहा है, क्लोजिंग दोनों में ही हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस क्लोज नहीं हुआ है, यही थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है या फर्क पड़ता है कि जब प्राइस की बॉडी को देख करके हम ये अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम यहाँ पर अपनी पोजीशन डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिंपली क्या हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हमें किसी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस को बाई करना है, ठीक है, निकल जाने दीजिए। बहुत बार तो ऐसा होगा कि प्राइस ऊपर निकले और आपने बाई कर लिया और अचानक से क्या होगा कि प्राइस फिर से डाउन साइड की तरफ चलाएगा और एक हैमर बना करके आपको ट्रैप कर ले जाएगा और यहीं से प्राइस फिर डाउन साइड। हमने वेट नहीं किया कि प्राइस में एग्जैक्ट क्लोजिंग का हमने वेट नहीं किया, अब अच्छा एक स्टेप हम आगे निकल जाते हैं तो वहां पर हमें किस किस तरह की क्लोजिंग्स मिलती हैं, जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्लोजिंग का वेट करते हो बट क्लोजिंग के वेट करने के बावजूद भी आपके स्टॉप लॉसेस जाते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं उसके, क्लोजिंग का स्ट्रांग ना होना। बेसिकली अगर हमारी क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं हुई है तो बहुत हद तक ऐसा होगा कि वो प्राइस आपका आपको ट्रैप कर ले जाएगा, जैसे ये वाला है। अब इसमें देखिए ये भी एक तरह से मेरे लिए आइडियल कंडीशन नहीं है, हम इसको इग्नोर ही करेंगे, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग, ओके। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, जैसे कि ये भी मेरे लिए पोजीशन नॉट इंटरेस्टिंग में ही आएगी और इट्स बैड। चार फॉर्मेशन हमने आपको बताई और इन चारों में से जो एक परफेक्ट सिनेरियो आपका बनाती है कैंडल, जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, वो कैंडल जिसके अंदर बॉडी एक ठीक ठाक बॉडी होती है आपकी, एक बॉडी होती है उसकी एक विक होती है, छोटी सी विक होंगी। इसके अलावा चार तरह की कैंडल्स और चारों ने ही अपसाइड में देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर भी क्लोजिंग मिली, बट ये वाली जो क्लोजिंग है ये कंसीडर हम कर सकते हैं, बाकी की क्लोजिंग हम एक बार अगर अवॉइड कर दें तो हमें उसको अवॉइड कर देना चाहिए। अगर प्रॉपर वे में आपको क्लोजिंग नहीं मिले तो वहाँ पर आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए क्या है, प्राइस क्लोज तो कर रहा है बट अपर शेडो देख करके क्या हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। ये वाली कैंडल देख करके क्या लग रहा है कि प्राइस अप साइड की तरफ तो जाने की कोशिश कर रहा है बट अपर साइड में कोई भी इसके रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस गिर सकता है डाउन। एक्चुअली जो वीक है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है, ये वाली जो वीक है ये एक सपोर्ट का काम करती है। अब यहाँ पर देखिए कि सेलर्स का प्रेशर हमको काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, हम वेट कर लेंगे थोड़ी देर और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा तब हम जा करके यहाँ पर अपना जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करेंगे। छोटा सा चैप्टर था, क्रैकिंग के चार मेथड होते हैं, अगर आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने आप पास अगर कोई सिस्टम है उसके अंदर अप्लाई करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर वॉल्यूम्स के भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं, वॉल्यूम्स के बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जो कैंडल हमारी बाहर के साइड में क्लोज कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है कैंडल, ब्रेकआउट की हुई कैंडल की जो वॉल्यूम होती है उसके ऊपर अगर आपने फोकस किया तो ये सिग्नल्स आपके और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वॉल्यूम्स के क्या यूजेस होते हैं ये धीरे धीरे आगे की क्लास में आपको पता चलता रहेगा, आई थिंक क्लियर हुआ होगा क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है ये, ओके। तो इन्फॉर्मेशन को याद रखना होगा हमको, इसको याद रखिएगा। बाकी जो रियल क्लासेस स्टार्ट होंगी हम लोगों की धीरे धीरे, कल से क्लासेस अपनी स्टार्ट होंगी। क्लास हम लोग यहीं पर अपनी ख़त्म करते हैं, कल की क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी, सेम टाइम पर हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। क्लास क्लोज करते हैं, सभी लोगों को गुड नाइट और कल मिलते हैं।